वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्चून डबल वन डबल वन मैं हूं आप सब की टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस सो so, आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज येस्ट टडे इलेवन वन पोर्टल था और आज हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट आपके कनेक्शन में क्या आया है आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या शिफ्ट हुए हैं क्या चेंजेस हुए हैं और वो कैसा महसूस कर रहे हैं इस इफेक्ट के बाद सब डिटेल में देखेंगे गाइस सो so एक टाइमलेस रीडिंग है जनरल रीडिंग है और एक कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप सबके लिए है चाहे आप सिंगल हो मैरिड हो अनमेरिड हो सेपरेटेड हो आप सभी के लिए है आप सब देख सकते हैं ओके okay? बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें चैनल मैसेजेस भी होंगे डेडिकेटेड सॉन्ग्स भी होंगे सब कुछ होने वाला है तो इन तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके अपने सिचुएशन को लेकर अपने पर्सन के इमोशंस फीलिंग्स को लेकर ओके और इनजा स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आई डीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइस ओके गाइस सो तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़े सी वक्त के लिए अपना आइज़ को क्लोज कर लें और थोड़ा सा फोकस बनाएँ ठीक है जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो ठीक है जिनके आ, एनर्जी के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर थोड़ा फोकस बना कर रखें पॉजिटिव सोचें फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं ओके सो so, जब तक मैं शुरू कर रही हूँ तब तक आप लोग ज़रूर रिलैक्स करें और अच्छा अच्छा सोचें और थोड़ा सा कंसंट्रेट करें अपने सिचुएशन पर तो चलिए देख लेते हैं लेट स्टार्ट ओके सो आपके जो पर्सन है हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में डाइवर्ट हुए थे किसी एक सिचुएशन को लेकर किसी पर्सन के ऊपर ठीक है या फिर इन जनरल हो सकता है कि डाइवर्ट हो गए थे आपके कनेक्शन को लेकर और आपके सिचुएशन को लेकर ना इनका ध्यान हट गया था डाइवर्ट हो चुके थे कहीं और में या फिर इनका मन कर रहा था कहीं और यू you नो know, कोई और डायरेक्शन अपना ले अपने लाइफ का या फिर आपको आपसे जुदा हो जाए ओके okay? और हो सकता है इस पर्सन ने वैसा किया भी ठीक है हो सकता है ये डाइवर्ट हो भी गए थे ठीक है इस पर्सन ने आपको दूर किया एंड देन किसी एक नई चीज़ के तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ा या फिर नई चीज़ के ऊपर ये फोकस करने लग गए तो ये नई चीज़ कुछ भी हो सकता है कोई नया इंसान हो सकता है कोई नया करियर पाथ हो सकता है ठीक है कुछ और डिसीजन हो सकते हैं ठीक है सबके लिए अलग अलग होंगे किसी के लिए फैमिली हो सकती है तो जो भी चीज़ है ओके सो so, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि ये जो आ, पोर्टल का जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आया है आपके पर्सन की तरफ से बिकॉज आपके पर्सन को वो चीज़ फील हो रहा है कि किस तरीके से वो डाइवर्ट हो गए थे किस तरीके से उन्होंने दूसरा पाथ चुनने का फैसला किया था या फिर उनका मन कर रहा था कि कुछ नया एक्साइटिंग ट्राई करें या किसी और चीज़ में ज्यादा प्रायोरिटाइज करें और कैसे उन्होंने आपके कनेक्शन से दूरिया बनाई या फिर ऐसी चीजें की जिसकी वजह से आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए ओके ये वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत पिक हो रही है कि ये मेजर रियलाइजेशन आपके पर्सन को यहाँ पर यस्टरडे हुआ है और आज भी वो चीज़ कंटिन्यू यहाँ पर हो रही है ठीक है ये एनर्जी है मुझे लगता है कि ये इंसान एक कंप्लीशन चाह रहे हैं ठीक है इनकी एनर्जी में ये शिफ्ट हुआ है कि इनको ऐसा लगता है कि बीच रास्ते में ही इन्होंने जो है ना अपनी एनर्जी वापस ले ली आपसे आपके रिश्ते से और बीच चौराहे पर ये सारी चीजों को छोड़ दिया ठीक है अनक्लियर अनक्लियर खुद भी रहे और आपको भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी ओके okay? और इधर उधर मन उनका भाग भागा ठीक है अनस्टेबल तरीके से इन्होंने लाइफ के डिसीशन लिए बहुत इनमेच्योर तरीके से इन्होंने बिहेव किया तो ये सारी तमाम चीज़ें इस पर्सन को फील हो रही है ठीक है चाहे आप मैरिड हो या नहीं हो या फिर जस्ट रिलेशनशिप में थे कनेक्शन में थे सिचुएशनशिप में थे जो भी चीज़ हैं और अब ये इंसान यूनियन चाहते हैं बहुत क्लियर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान के ना ऐसे शिफ्ट्स हुए हैं कि इस पर्सन को बार बार ऐसी चीज़ें याद आ रही है या फिर इनकी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आप दोनों के बीच की मेमोरी इनको याद आई जा रही है ठीक है तो चाहे हो सकता है इनके आंखों के सामने कोई पोस्ट आ जा रहा है कोई क्वेट आ रहा है कोई वीडियो कोई सॉन्ग या फिर आ, कहीं जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने कुछ देख लिया ठीक है कुछ पोस्टर्स देख लिए एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है मुझे लगता है कि आज ये चीज बहुत बहुत ज्यादा हो रही है कि ऐसे ऐसे चीजें इनके साथ हो रहे हैं ऐसे ऐसे चीजें इनको दिख रहे हैं जिससे इनको बार बार आपकी याद आ रही है या फिर आप दोनों के बीच में जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किए हैं उसकी मेमोरीज इनको बार बार याद आ जा रही है उस चीज से ये चीज बार बार इनको हो रही है ठीक है तो मुझे लग रहा है ना कि क्योंकि इनको बार बार एक एक मेमोरी आपकी अचानक अचानक से याद आ रही है जो कि बहुत अच्छी मेमोरीज रही है तो उस वजह से ये इंसान जो है ना अपने फीलिंग्स को और भी ज्यादा तो समझ पा रहे हैं जो चीजें स्कैटर्ड हो गई थी वो फिर से समिट रहे हैं आप दोनों के अंदर ठीक है आपके पर्सन के अंदर कि जो फीलिंग्स थी जो बिखर गई थी डाइवर्ट हो गए थे वो ठीक है तो वो सारी चीजें इकट्ठा हो रही है एक जगह में क्योंकि उनको दिल से बहुत याद आ रही है आपकी आपकी मेमोरीज की ओके ये एनर्जी बहुत पिक हो रही है ऑल्सो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन की इमोशंस में ऐसे शिफ्ट आ रहे हैं जिसके वजह से इस पर्सन को एहसास हो रहा है अपने प्यार का ठीक है Uh, आपने जितने भी uh, चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं इस कनेक्शन में चाहे वो वक्त हो आपका आपका केयर हो आपका सपोर्ट हो आपका लव हो वो सारी चीज़ भी समझ पा रहे हैं ठीक है कि इनके दिल में इतने इमोशंस हैं आपको लेकर ये भी आपको चाहते हैं लेकिन फिर भी ये कैसे डाइवर्ट हो गए थे या कैसे इन्होंने न्यू पाथ चूज़ कर लिया आपको पीछे छोड़ दिया या फिर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया इस कनेक्शन को लेकर सो ये सारी चीज़ें इंसान महसूस कर रहे हैं इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एहसास हो रहा है इस पर्सन को ओके okay? तो ये जो शिफ्ट है ये बहुत अच्छी तरीके से नज़र आया है क्योंकि इंसान आपको बहुत मिस करने लग गए हैं क्योंकि बार बार इनको आपकी याद आ रही है ठीक है और ऐसे ही नहीं कि बस अचानक से इनको याद आ रही है मतलब इनको अपने आँखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसकी वजह से आपके साथ रिलेटेड कोई चीज़ें कोई बातें कोई मेमोरी ना बार बार इनको याद आ रही जैसे मैंने आपको भी बताया तो वही वाली चीज़ है जिसके वजह से इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं ठीक है जो चीजें स्कैटर्ड हो गई थी आपके कनेक्शन में ठीक है वो इकट्ठा हो रही है एक साथ ठीक है रिबिल्ड हो रहा है चीजें और मुझे लग रहा है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है आपके पर्सन के इमोशंस का वो एहसास जो है ना उनको वो चीज़ हो रही है महसूस कर पा रहे चीज़ों को ठीक है जहाँ पर इन इन्होंने गलत डिसीशंस लिए हैं जहाँ पर इन्होंने गलतियाँ की उस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं ठीक है थीके? और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है बहुत परमानेंट है क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं ऐसा नहीं है कि अचानक से चमत्कार हो रहा है नहीं ये मुझे लग रहा है कि एक स्लो प्रोसेस आपके कनेक्शन का चल रहा था और इस एलेवन वन के पोर्टल के बाद से आपके पर्सन जो है ना उस चीज़ को अच्छे से हमेशा के लिए मतलब जो रियलिटी है आपके कनेक्शन की आपकी उस चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और ये चीज़ जो है ना ये इमोशन जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है वो परमानेंट रहने वाला है ठीक है क्योंकि मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में ये सारी चीज़ें स्लोली प्रोग्रेस की है और इस पोर्टल के बाद भी मुझे लग रहा है कि फाइनली आ, सारी चीज़ें आपके पर्सन को समझ आ चुकी है ऐसी वाली एनर्जी है येस्टडे से अब तक भी मुझे लग रहा है कि यही सारी चीज़ें चल रही है बहुत ज़्यादा ये इंसान हैवी फील कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है यू you नो know? और उनको ऐसा लगता है कि जब इनको कंप्लीशन करना था आपके साथ तब ये इंसान ने अपना पाथ ही चेंज कर लिया ठीक है इच्छा ही चेंज कर ली

वही चीज़ चल रहा है ठीक है तो बहुत ज़्यादा सूधिंग तरीके से ये इंसान महसूस कर पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं अपने आप को ठीक है तो कोई घबराहट या हड़बराहट नहीं है एक पूरी इनर मोस्ट रियलाइजेशन है और साथ में मुझे लग रहा है कि लविंग थॉट्स हैं आपको लेकर करेंट की इस पर्सन की तो एनर्जीज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से चेंज हुई है आपके कनेक्शन की आपके रिश्ते की बिकॉज मुझे लगता है कि आप दोनों को हो सकता है लगता था कि पात आप दोनों के जो है अलग अलग है रास्ते आप दोनों के अलग अलग हैं लेकिन वो रियलिटी नहीं है तो मुझे लगता है कि आप लोग फिर से यहाँ पर करीब आ रहे हो बिकॉज मुझे आपके पर्सन के फीलिंग्स मुझे बहुत स्लो बट बहुत ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं ठीक है क्योंकि जब जल्दबाजी में कोई चीज़ होती है जल्दबाजी में हम कुछ डिसीज़न लेते हैं जल्दबाजी में हम कुछ फील कर लेते हैं तो वो चीज़ कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती उसको टूटना होता है या फिर वो चीज़ कभी वर्क ही नहीं करती लेकिन आपके कनेक्शन में मुझे लगता है हर एक चीज़ में वक्त लगा है और आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है पहले से बहुत ज़्यादा इस यस्टरडे और आज मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मच्छर बहुत ज़्यादा एक वाइस इंसान की तरह सोच समझ पा रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर और वो हैवीली सोच रहे हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने ही ऐसे मोमेंट्स ऐसी चीजें उनको बार बार दिख रही है जिसकी वजह से वो मजबूर हो जा रहे हैं कि वो आपके बारे में सोचने लगे ठीक है खुद मतलब खुद जो है ना चीज़ों को इंटरप्रेट करें खुद अपने ऊपर सेल्फ एनालाइज़ करें कि कर कर क्या रहे हैं लाइफ में तो ये मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि मिस बहुत कर रहे हैं के करीब आना चाहते हैं कम्प्लीसन चाहते हैं और उनको महसूस हो रहा है कि uh, उन्होंने वो जो डाइवर्ट हुए थे उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था और उन्हें उन्होंने ऐसा क्यों किया बहुत गलती हो गई उनसे ठीक है तो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से साइलेंट हैं मतलब येस्टर्डेस हो सकते ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कम्युनिकेट किसी से नहीं कर रहे हैं थोड़े से चुप नज़र आ रहे हैं बिकॉज इनके माइंड से ना ढेर धे, सारे थॉट्स यू नो क्रॉस कर रहे हैं ठीक है ढेर सारे इमोशंस का जो है ना बौछार हो गया है आपके पर्सन के लाइफ में तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत करना चाहे फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी हो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं थोड़े से चुप है मुझे लग रहा है कि इनकी जो दिनचर्या है ना वो भी थोड़ा स्लो चल रही है थोड़ा सा स्लोली काम कर रहे हैं ये अपने लाइफ में जो भी करते हो ये ठीक है स्टडी भी हो या वर्क भी हो थोड़ा सा स्लो 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 हो रहा है ठीक है इनको भी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा स्लो चल रहा है ठीक है तो ऐसी वाली एनर्जी है मुझे लग रहा है कि सबको वक्त सेम मिलता है ठीक है एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको एक ही दिन में बहुत सारा वक्त मिल रहा है चीज़ों को समझने के लिए और बहुत लंबा चल रहा है इनका ड्यूरेशन दिन का ठीक है ऐसी वाली फील इस पर्सन को हो रही है बिकॉज मुझे लग रहा है कि ट्वेंटी आवर्स में ही इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं ठीक है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी तो इनको ऐसा मतलब इनको यूनिवर्स वक्त दे रहा है ठीक है तो एक ऐसे इल्यूजन में अभी ये है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि कितना कुछ हो रहा है इनके साथ कितना कुछ समझ रहे हैं कितना कुछ अचानक से चीजें यू नो हो रही है तो फीलिंग्स इनकी बहुत अच्छी है गाइस मुझे लग रहा है कि फाइनली इंसान समझ चुके हैं आपको आपके वैल्यू को और अगर सेपरेटेड हो नो no कांटेक्ट हो तो बहुत जल्दी यूनियन होगा ही और अगर ऑलरेडी कांटेक्ट में हो बातचीत होती है बट चीज़ें बहुत स्ट्रांग तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हो तो चांसेस आदि है कि ये इंसान जो है अपोलोजी मांगेंगे ओके okay, और आ, कुछ चीज़ों को हो सकता है कि कन्फ्यूज भी करेंगे आपके सामने और क्लियर हो जाएंगे आपको लेकर आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा आपको अनसर्टिनिटी में जीना नहीं पड़ेगा और ना आपको कन्फ्यूज रहना पड़ेगा कि पता नहीं इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है हमें वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए ये सारी चीज़ों की क्लियरेंस आप के पर्सन ही आपको देंगे ठीक है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तो इनके करंट फीलिंग्स हैं गाइस इसे मैं यहाँ पर साइड में रख दूंगी ओके okay, इसे मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी फिर हम चैनल मैसेजेस एंड सॉन्ग देख लेते हैं तो चलिए इसे मैं साइड में कर देती हूँ एंड देन लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए वी हैव सोलमेट योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद इन यू इंड स्पिरट बिलीव दिस एंड दे मैनिफेस्ट फिजिकली तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको सोलमेट की तरह मानते हैं वो आपको अदर हाफ के रूप में देखते हैं और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके प्रेजेंस को महसूस करते हैं और वो हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हैं चाहे वो उन्होंने लाइफ में कितनी भी गलतियाँ कर ली हों कितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट में की हो लेकिन हमेशा उनको ऐसा महसूस होते रहा है कि वो आपसे कभी बिछड़े नहीं हैं कभी अलग नहीं हुए हैं और उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपको लेट गो नहीं कर सकते कभी भी आपसे जुदा नहीं हो सकते और चाहे कितनी भी वो गलतियाँ कर लें उनको घूम फिर कर आपके पास ही आना होता है क्योंकि वो आपके साथ ही सिर्फ कनेक्टेड फील करते हैं और किसी के साथ भी ज़्यादा यू नो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर फिजिकली वो इंसान रहना नहीं चाहते या फिर उनका जो सोल है उस चीज़ के लिए अप्रूव नहीं करता ओके तो ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहते हैं और भी काज देख लेते हैं इफ़ यू कुड डू एनी थिंग वट वुड इट बी द आंसर डुवेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड फॉर द हार्ट इज द गेट अवे टू द सोल सो आपके पर्सन को यह भी लगता है कि शायद आप अपने दिल की सुनना आपने जो है बंद कर दी है बिकॉज हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है ठीक है तो कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के ऊपर विश्वास हो सकता है उठ चुका है या फिर आप इस पर्सन को उस उस लेवल से देख नहीं पा रहे हो उस नज़रिए से देख नहीं पा रहे हो या फिर उस सेम कॉन्स्टेंट इमोशन के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी तो इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आपके दिल में आप आपकी आपका जो दिल है वो जितना भी सच्चा प्यार था इस पर्सन के लिए वो अभी भी वहाँ पर है लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो या फिर आप जो है ना ज़बरदस्ती चेंज होना चाहते हो तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करें अपने दिल की सुने अगर आपका दिल कहता है कि हाँ आप इनके साथ रहना चाहते हो आप इन्हें मौका देना चाहते हो तो ज़रूर आप वैसे फीलिंग्स रखें और अगर आपका मन नहीं है तो आप दूर हो सकते हो लेकिन प्लीज़ ज़बरदस्ती प्रिटेंड करके या मजबूरी में कुछ भी डिसीशंस मत लेना या कुछ भी मत सोच लेना कुछ भी एज्यूम मत कर लेना आपके पर्सन ही आपको मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप जो है इस पर्सन की हरकतों को देख इनसे दूर हो गए हो या फिर आपने अपने आप को बहुत चेंज कर लिया है पहले से आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हो या बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हो या फिर आपने अपनी दिल की सुनना बंद कर दिया हर एक चीज़ में सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं तो ये पर्सन चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इन सारी चीज़ों की वजह से अपने आप को कभी चेंज ना करें ओके सो चलिए चैनल सॉन्ग देख लेते हैं तो चलिए एक सॉन्ग देखेंगे गाइस और सी ओके सो गाइस सॉन्ग देख लेते हैं और मैं कुछ शेयर भी करना चाहूँगी कि जब पहले बहुत पहले मैं वीडियोस बनाती थी, थी तो मैं कभी कभार सॉन्ग गाया करती थी सो so, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम आया था यस्टेडे ही मेरे एक सब्सक्राइबर का उन्होंने मुझे बताया कि आप एक सॉन्ग गाए प्लीज़ बहुत टाइम हो गया है वगैरह वगैरह मुझे भी लगा कि बहुत टाइम हो गया मे बी मैंने गाया नहीं है पहले गाती थी कभी कभार सो so, आज जो सॉन्ग है उसका मैं कुछ लाइन्स आप लोगों के लिए गाऊंगी ठीक है मैं डेडिकेट करूंगी आप लोगों को मेरे जो तो सॉन्ग है तो जैसे भी मैं गाऊँ प्लीज़ जज मत करना बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर बट आई लव टू सिंग तो आप लोगों के लिए मैं गाऊंगी और आप लोगों में से हो सकता है जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हो उनको पता होगा तो या ज़रूर कमेंट कीजिएगा तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं चैनल सॉन्ग कौन सा है वी हैव ओ मेरे दिल के चैन सो ये ओल्ड सॉन्ग है बट इसके रिमिक्स वगैरह भी शायद बने हैं तो आप लोग चेक कर सकते हो तो हो सकता है ये पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हो या फिर इस सॉन्ग में कुछ लिरिक्स में कुछ मैसेजेस हों जो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कहना चाहते हैं तो जरूर इस सॉन्ग को सुनिएगा और मैं दो लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकती हूँ मैं मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए अब खुद सनम फैसला कीजिए सो so गाइस ये था आप लोगों के लिए सॉन्ग आई होप आपको पसंद आया और ये थी आप लोगों की रीडिंग सो so अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाय